भाजपा पार्टी से नाराज होकर मांगेराम चौधरी ने वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी का नामांकन कराया। वहीं हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात की तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। भाजपा से बागी होने के बाद शिवपुरम के जो वार्ड पार्षद के लिए जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मांगेराम जी, उनसे बात कर लेते हैं कि जो उनको दावेदारी के बाद भी उनको भाजपा का टिकट नहीं मिला है, तो अब किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे उनसे बात कर लेते हैं। मांगेराम, किस तरह की भाजपा पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है, वहाँ से बागी हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अपने वार्ड से, तो आप किस तरह देखते हैं कि आप कैसे अपने जीत निश्चित करते हैं? जो हमारा वार्ड शिवपुरम 19 नंबर वार्ड है हमारा, यहाँ से सबसे पहले तो जो यहाँ दूसरा प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा वो हमारे वार्ड का है ही नहीं, वो दूसरे वार्ड का मकान उसका 21 नंबर सुभाष नगर वार्ड में, अगर वो हमारे वार्ड में लड़ेगा तो हम उसके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और जब हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया और हम यहाँ के इस वार्ड के वासी हैं, तो हमें मजबूरी हमारी हो गई है कि हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा निर्दलीय। अगर आप निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं या उससे पहले भागे हुए दबाव आता है जीत जाते हैं, क्या फिर भाजपा में जाएंगे? बिल्कुल, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा की साथ है, और अगर हम जीतते भी हैं तो फिर पार्टी की साथ है, भाजपा की साथ है। अन्य पार्टी को पैसे देने के लिए काम में आपके बारे में ऐसा क्या क्या आपने देखा है कि निशान करने के लिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद कोई काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो नाले की और पानी की, और सबसे बड़ा नालियों की समस्या है, इस चीज़ से सभी परेशान है, पूरा शिवपुरम परेशान है, तो जीतने के बाद में इन समस्याओं को दूर करने की हर संभव कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ की ये समस्या, इस क्षेत्र की ये समस्या दूर हो। जैसे कि कह रहे हैं कि दूसरे वार्ड का कोई प्रत्याशी है जो भाजपा ने उतारा है, तो यहाँ के जो वार्ड के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, जो आगे वोटर हैं इनके उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह वो देखते हैं, जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरह की जो पार्षद के चुनाव में जो आज दूसरे वार्ड का वार्ड में भाजपा ने बैठक उतारा है अपना, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि हमारे जो वार्ड नंबर 19 है, लोगों की चुनाव से पहले ही एक सहमति बन चुकी थी कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होगा वो हमारे अपने बीच का होगा, और पार्टी ने इन भावनाओं का सम्मान नहीं रखा, उस वजह से सब लोगों ने निर्णय लिया है कि मांगेराम जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाएगा, और ये मांगेराम जी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, वार्ड नंबर 19 के प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय है जिसका समर्थन मांगेराम जी कर रहे हैं। ये माना जाए कि जो जी मांगेराम जी से पूरे वार्ड के लोगों ने कहा है कि आप पर्चा भरिए, चुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं, आपका तो केवल फेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जिम्मेदारियां पूरे वार्ड के प्रत्येक वोटर की है, और वो वोटर उस जिम्मेदारी को उठाने की ठानने के बाद मांगेराम जी को चुनाव मैदान में निर्दलीय उतार दें। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है जो यही वासी है, वार्ड नंबर 19 से, यही आपसे कहना चाहेंगे जिसमें मांगेराम जी आपके वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और पार्टी से भी आपने पार्टी से भी उतारा है यहाँ पे, तो उसको किस तरह देखते हैं और मांगेराम जी किस तरह? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, और हम ही लोगों ने मांगेराम जी को खड़ा किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ से खड़ा हो, जो भी रात दिन हर टाइम पे दुख में सुख में हमारे काम आए, ठीक है नहीं? ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अब हुई है, मैं तो जनसंघ से हूँ, जब ये जनसंघ थी मैं जब से इस पार्टी से लगा हूँ, लेकिन आज हमने देखा कि हमारी पार्टी ने पता नहीं क्या सोच के क्या समझ के एक अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, हमें इसी का बड़ा दुख है और अफसोस है, इसीलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग इस इलाके के हैं सब ने मांगेराम जी को समर्थन दिया है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, बहुत पुराने हैं, तो भाजपा पार्टी से भी यहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाया गया है उसके लिए क्या मांगेराम जी बता दें किस तरह आप उनके जिला कर सकते हैं? जिस कैंडिडेट को उतारा गया उस कैंडिडेट को इस इलाके में कोई जानता ही नहीं, तो ऐसे कैंडिडेट का क्या करना है जो अपने घर से बाहर नहीं, जिसे हम ही लोग इस इलाके लोग पता ही नहीं कि कौन आदमी क्या नहीं है, मांगेराम जी को सब जानते हैं, इनके परिवार को सब जानते हैं, चौराहे पे इनका घर है, इधर से जा पकड़ लो उधर से जा पकड़ लो, जो भी काम है मांगेराम जी तुरंत करेंगे, और ये सक्षम है हर चीज़ से, कोई गरीब आदमी किसी का पैसा ना हो तो उसके साथ अपना रिक्शे में पैसा खर्च करके उसके साथ जाने को तैयार है, गाड़ी इनके पास है, ये इतने करवट आदमी हैं कि मेरे ख्याल से इस इलाके में दूसरा कोई मिलने वाला नहीं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इन्हें समर्थन दिया रहा और इस बात पर दिया है कि आप जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही साथ अपने अपने आप को मर्जर करेंगे,
ये हमारा है। तो आपने सुना कि जो वार्ड के लोग हैं उनका बिल्कुल मन बना रखा है उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता है, उन्होंने बिल्कुल जो मरना मन बना रखा है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मांगेराम चौधरी उनको बिल्कुल जिता के भेजेंगे, जबकि जो भाजपा पार्टी से कैंडिडेट यहाँ पर उतरा गया है वो इस वार्ड से नहीं है, दूसरे वार्ड से है, तो उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं कर रहे हैं और मांगेराम जी कहाँ से जिता के भेजेंगे। मैं सुनील पटेल, यूके टाइम्स टीवी।